हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फिर से पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। पैरामेडिकल का वैकेंसी जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन तथा और सारी वैकेंसियाँ हैं जो निकाला गया है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है परमानेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं वाइल इंडिया लिमिटेड में यह वैकेंसी निकाला गया है। यह नौरत्न कंपनी है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप सीरियल नंबर 3 में देखेंगे स्टाफ नर्स का है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके साथ डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM, यानी कि ANM या GNM दोनों में से कोई हो तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल से। या इसके अलावा आपके पास BSc नर्सिंग है तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। सीरियल नंबर 6 में देखेंगे, यह है पोस्ट कोड PAT 12022। यह है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के, यानी कि यह पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यह पोस्ट कोड है। इसका टोटल 4 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस से होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। पास डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स, यानी कि DMLT होना चाहिए 2 साल का किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मस्ट हैव मिनिमम 2 ईयर क्वालिफिकेशन फुल टाइम रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मतलब भी प्राथमिकता दिया जाएगा। हम बात करते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का। सीरियल नंबर 7 में देखेंगे, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस से होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। अब पॉइंट 2 में देखेंगे, डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप सीरियल नंबर 8 में देखेंगे ओटी टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2। टोटल 3 सीट है इसका, और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन का कोर्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 10 में देखेंगे आप, यह है ICU टेक्नीशियन का। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका भी है 10+2 साइंस से होना चाहिए और डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ICU टेक्नीशियन में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका टोटल सीट मात्र 2 है। आप सीरियल नंबर 11 में देखेंगे, यह है मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस से होना चाहिए और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर में और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका टोटल 2 सीट है।
इसका सिलेक्शन का जो मेथड है वह सीबीटी एग्ज़ाम लेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस है, पार्ट ए में इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश का है, और जनरल नॉलेज का है, जनरल अवेयरनेस का यानी करंट अफेयर का है, ऑयल इंडिया लिमिटेड से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह 20 नंबर का होगा। रीजनिंग है, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल यानी कि रीजनिंग और मैथ, ये दोनों हैं पार्ट बी में, ये भी 20 नंबर का पूछेगा, और जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उसे 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से आपको यह फॉर्म अप्लाई करना है, यह फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 7 नंबर में। यह पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, या डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप से ले लेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन जो है इसे आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे, इसके बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, इसीलिए हम इसका मुख्य पॉइंट जो है वो हम बताते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये भी देख लीजिए, 9 में दिया हुआ है। ये जो फॉर्म है 26 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिलअप होना, जो कि इसका लास्ट डेट है 25 फरवरी 2022। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसे आप नोट कर लेंगे। जो कि प्रोसेस वाइज दिया हुआ है, इस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी है मात्र 200 रुपये। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे इसके वेबसाइट पे जा कर के, इसके बाद इसे आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।